क्रिप्टो कानून में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, हमारे वीडियो के को बेस बना के किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। जो भी हम बात करते हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। और तीसरी चीज़, कभी भी जब हम कोई बात कहते हैं उसका ज़रूर अपने एंड पे वेरिफिकेशन कर लिया करें। आज का टॉपिक जो है वो तीन टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक, सबसे पहले जो CNBC चैनल के ऊपर एक खबर आई थी कि जो S.C गर्ग कमेटी है, जो इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी जो बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा, हम बात करेंगे कि जो RBI के जो गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी, जो नए गवर्नर जो आए हैं, और उर्जित पटेल जो जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इस पूरे प्रकरण का ओवरऑल क्रिप्टो के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है। और तीसरा, हम एक ट्वीट के बारे में बात करेंगे जिसका जो हमने पोल चलाया था एक, कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने लोन लेके क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है, और आगे आने वाली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं CNBC के ऊपर जो न्यूज़ फ्लैश हुई थी। तो देखिए, CNBC ने क्लेम किया 7 दिसंबर को कि इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनली सबमिट कर दी है। और CNBC ने उसमें एक चीज़ और ऐड करी कि एनोनिमस सोर्सेज से ये पता लगा, एनोनिमिटी के बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर फाइनली एक सजेशन दिया गया है, एक रिकमेंडेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इसकी ट्रेडिंग, इसकी डीलिंग और इसका पोजेशन, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पोजेशन, इस पे बैन लगा दिया जाए या इसको बैन कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एनोनिमिटी वर्ड यूज़ किया है, और जिसके बेसिस पे, और अभी क्योंकि रिपोर्ट वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, सरकार ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम उस पे कॉमेंट ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ करिए कि जब भी लाइफ में आपको क्लैरिटी ना हो किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में, चाहे वो कुछ भी आपके लाइफ में हो, चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे वो आपको ये करना है या नहीं करना, आप कभी भी एक डिसीजन मेकिंग में कभी भी जब आप उलझे हुए हो, तो एक स्पेशल रिकमेंडेशन है हमारी, आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहें। आप हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर ना हो, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहें। वर्स्ट केस सिनेरियो में प्रिपेयर करने के लिए हम आपको ये बोलेंगे कि CNBC एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही नेशनल लेवल का एक चैनल है, राइट? अगर वो चैनल ये एक न्यूज़ को कह रहा है कि एक रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके कंटेंट उसको पता हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि 1% भी अगर चांसेस हैं कि उसके कंटेंट उनको पता लग गए, और जो बात CNBC कह रहा है उस बात में ज़रा सी भी अगर सच्चाई है, तो क्या आप इस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि सपोज अगर ट्रेडिंग भी बैन हो जाती है, डीलिंग भी बैन हो जाती है, और जो पोजेशन है, पोजेशन पे बैन अगर होता है, तो भारत पूरी दुनिया का पहला देश होगा जिसके अंदर पोजेशन को भी बैन किया जाएगा। अब पोजेशन को बैन करना पॉसिबल है नहीं है, ये तो सरकार ने डेफिनेटली अपनी रिसर्च में देखा ही होगा कि इसकी पोजीशन को बैन करना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। बट स्टिल अगर उन्होंने रिकमेंड किया है और सरकार इसको अडॉप्ट करती है, पोजीशन को भी बैन करती है, तो प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सरकार को देखना है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इस चीज़ को जानने के लिए हमने एक ट्वीट रन किया, हमने एक पोल चलाया जिसमें हमने लोगों से जानने की कोशिश करी, क्रिप्टो कम्युनिटी में जानने की कोशिश करी, आखिर कितने परसेंट इतने लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट जो किया है वो कहीं से लोन लेके किया है, किसी परिवार से या किसी दोस्त से पैसे पकड़े और कहा कि चलो यार क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी, 35% लोग हैं आज भी क्रिप्टो स्पेस में इंडिया में जिन्होंने या तो पर्सनल लोन लिया है, या लोन दोस्तों से लिया है, परिवार से लिया है, या गोल्ड लोन लिया है, और उन्होंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है। आज आप एक इमेजिन करिए एक सिनेरियो कि क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाती हैं, पोजेशन पे बैन लगा देती हैं, डीलिंग लीगली किसी भी तरीके की ट्रेडिंग डीलिंग पोजेशन पे कल को बैन लग जाता है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने लोन लेके क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, इनके लिए डबल मार है। पहली चीज़,
जिस लेवल पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था वो मार्केट क्रैश करके वो रेट नहीं मिलेगा। नंबर दो, जब वो मार्केट में वो बेच ही नहीं पाएंगे क्रिप्टो को, तो जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए हुए इंटरेस्ट के साथ पैसे लिए होंगे, तो उनको इंटरेस्ट के साथ वहाँ पैसे देने पड़ेंगे और क्रिप्टो के अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पर लॉस सफ़र करेंगे। मेरी और क्रिप्टो कानून टीम की सब लोगों से ये गुजारिश है, आप लोगों से, कि अगर आपने इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेके क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज़ आज ही के आज उस लोन को बंद कराएं। और क्रिप्टो के अंदर से अगर आप पैसा निकाल के अपने लोन को बंद करा सकते हैं, तो प्लीज़ उन लोन्स को बंद कराइए। आप उतना ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड रहिए जितना आप उस पैसे को खोने के लिए मेंटली तैयार है। उस पैसे को खोने के बाद आपके लाइफस्टाइल पे किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट कम ही क्यों ना रह जाए क्रिप्टो के अंदर। आपको समझदारी का सबूत देना है यहाँ पे। ये एक एडवाइस हमारी तरफ से आपको है। CNBC की खबर सही है गलत है, हम उस पर कॉमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक वो पब्लिक स्पेस में वो रिपोर्ट नहीं आ जाती, बट रिपोर्ट सबमिट हुई है। कहीं ना कहीं CNBC इतना छोटा भी चैनल नहीं है कि हम उनकी इस बात पे यकीन ना करें कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है। रिपोर्ट सबमिट हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट के कॉन्टेंट क्या है वो पब्लिक में जब आएंगे तभी हम बता पाएंगे। लेकिन अगर हम एक मिनट को CNBC की बात पे यकीन भी कर लेते हैं, तो आपको अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है। देखिए, पिछले 10 दिन में, ये दिसंबर जब से शुरू हुआ है, तब से काफ़ी सारी चीज़ें, जो घटनाएं घटी हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल तो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो RBI के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने रिज़ाइन करा, और शक्तिकांत दास जो हमारे नए गवर्नर हैं उन्होंने ज्वाइन किया। अब शक्तिकांत दास जी के बाद इसका इम्पैक्ट क्या है क्रिप्टो स्पेस में इंडिया में, अगर हम देखें तो शक्तिकांत दास का जो पर्सपेक्टिव है क्रिप्टो के लिए वो बहुत नेगेटिव है। इन्होंने मार्च के अंदर एक बहुत ही जानी मानी वेबसाइट है उसको एक इंटरव्यू दिया था, और काफ़ी उसके अंदर क्रिप्टो के स्पेस के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इनकी क्या राय है इसके बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया था। तो सबसे पहले इनका कहना है, क्या ये RBI के लिए और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल हो पाएगा कि घर घर जाके वो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं? लोग अपने घरों से छोटा बैंक रन करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि घरों के अंदर जाके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर पाएंगे? ये इन्होंने अपने उस इंटरव्यू में बोला। दूसरा, इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो एक थिन एयर के अंदर से बनी है, वो एक वैक्यूम है उनके अंदर, वैक्यूम की वर्ड यूज़ किया उन्होंने। तो इनका ये कहना है कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अब वही उनका ये कहना है कि फियाट करेंसी के पीछे, INR के पीछे गवर्नमेंट का प्रॉमिस है, ठीक है। उनका ये कहना है कि कोई कंपनी का शेयर होता है तो उसके पीछे उसकी अंडरलाइंग एसेट होती है, क्रिप्टो करेंसीज तो थिन एयर में से बनी है, तो इसके पीछे किसी भी तरीके का कोई बेस नहीं होता, कुछ नहीं है, तो ये इनका एक कहना है। तीसरी चीज़ इनका कहना है कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग और एंटी मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें ये फैसिलिटेट करती है, उसमें ये हेल्प करती है ऐसे कामों के लिए, तो ये बिल्कुल इलीगल है। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और ये एक पैरेलल करेंसी का रूप ले रही है एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में, एक पैरेलल करेंसी का ये रोल इसकी बढ़ती जा रही है, तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर रोक लगाई जाए। तो वो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है RBI के गवर्नर। देखने वाली बात यह है कि अब जो ये रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर क्या कॉल लेती है, क्या वो रिकमेंडेशंस हैं, उस पर क्या वो डिसीजन लेती है, और उसके बाद हम वो आने वाले समय में ऑब्वियसली हम आपके पास वो खबर लेके आएंगे। लेकिन मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि जब भी अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई भी आपने किसी से पैसे पकड़ के क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं, तो प्लीज़ उन पैसों को वापस करिए। उस जो जिससे भी आपने लोन ले रखा है, अगर आप क्लोज कर सकते हैं तो क्रिप्टो से या कैसे भी करके उस लोन को क्लोज करिए। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहें हमेशा। इसी थॉट के साथ आगे भी हम ऐसे ही आपको एक ज़्यादा क्लैरिटी देते रहेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये हमारे वीडियो में पसंद आया, कोई बात आपको पसंद आई, तो ज़रूर कॉमेंट करें, अपना विचार दें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ आप भूल ना जाएं इस वीडियो को क्लोज करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, और आगे के लिए भी देखते रहें क्रिप्टो कानून।